वैसे तो भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा होती है। इन सभी का अपना अलग अलग महत्व होता है। देश के कोने कोने में बसे इन सभी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से सारे कलेश दूर हो जाते हैं। बाबा भोलेनाथ की कृपा पानी है तो आप किसी भी एक ज्योतिर्लिंग की पूजा कर सकते हो। कहा जाता है बाबा के एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से कुंडली के सारे दोष खत्म हो जाते हैं। बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद खुद आपके ऊपर होने लगता है। बाबा इतने दयालु हैं कि उनके दर्शन मात्र से ही हमारे सारे संकट कट जाते हैं। बाबा का आशीर्वाद पाना है तो आप अपने जीवन में केवल एक ज्योतिर्लिंग की भी पूजा कर लें या दर्शन कर लें तो आपके कलेश समस्त जीवन के लिए एक साथ कट जाएंगे। चलिए आज हम आपको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कहानी के बारे में बताते हैं। आपको बता दें शिव पुराण के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग है। यह मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। पुराणों में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित कथा के बारे में आज हम आपको बताते हैं। जब एक प्रजापति दक्ष ने अपनी सभी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया तो वे बहुत प्रसन्न हुए। पत्नी के रूप में दक्ष कन्याओं को प्राप्त कर चंद्रमा बहुत शोभित हुए और दक्ष कन्याएं भी अपने स्वामी के रूप में चंद्रमा को प्राप्त कर शोभायमान हो उठी थीं। चंद्रमा की उन 27 पत्नियों में रोहिणी उनमें सबसे ज्यादा प्रिय थी, जिसको वे विशेष आदर तथा प्रेम करते थे। उनका इतना प्रेम अन्य पत्नियों से नहीं था। चंद्रमा की अपनी तरफ उदासीनता और उपेक्षा को देखकर रोहिणी के अलावा बाकी दक्ष पुत्रियां बहुत दुखी भी थीं। वे सभी अपने पिता दक्ष की शरण में गईं और उनसे अपने कष्टों का वर्णन किया। अपनी पुत्रियों की व्यथा और चंद्रमा के दुर्व्यवहार को सुनकर राजा दक्ष भी बड़े दुखी हुए थे। वो मनी मन क्रोधित हो रहे थे और मन ही मन कुढ़ भी रहे थे। लेकिन राजा दक्ष को खुद इस बात का पता नहीं था कि आखिर वो क्या करें। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उन्होंने चंद्रमा से भेंट की और शांतिपूर्वक कहा, कलानिधि, तुमने निर्मल व पवित्र कुल में जन्म लिया है, फिर भी तुम अपनी पत्नियों के साथ ऐसा भेदभाव या दुर्व्यवहार क्यों करते हो? तुम्हारे आश्रम में रहने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं उनके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम कम और अधिक ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है? तुम किसी को अधिक प्यार करते हो, किसी को कम प्यार देते हो, आखिर ऐसा क्यों करते हो? तब तक जो व्यवहार किया वह ठीक नहीं है। अब आगे से आप दुर्व्यवहार नहीं करोगे, या फिर मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है, या यूं कहें कि आप अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। एक राजा होने के नाते, एक ईश्वर होने के नाते अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये स्त्री जाति के प्रति बहुत ही बुरी भावना वाली बात है। जो व्यक्ति आत्मीयजनों के साथ विषमता पूर्वक व्यवहार करता है उसे नर्क में जाना पड़ता है। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को प्रेम पूर्वक समझाया और ऐसा सोच लिया कि चंद्रमा में सुधार जरूर हो जाएगा। आज के बाद वो ऐसा कोई भी गलत व्यवहार नहीं करेंगे जिससे उनकी पुत्रियों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद प्रजापति दक्ष वापस चले गए। इतना समझाने पर भी चंद्रमा ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष की बात नहीं मानी और उन्होंने अपनी मनमानी ही करी। जो वो चाहते थे, जो वो सोच रखे थे, वो वही करने को आमादा हो गए थे। आपको बता दें रोहिणी के प्रति अतिशय आसक्ति के कारण उन्होंने अपने कर्तव्य की अवहेलना की तथा अपनी अन्य पत्नियों का कुछ भी ख्याल नहीं रखा और उन सभी से उदासीन रहे। दोबारा समाचार प्राप्त कर प्रजापति दक्ष बड़े दुखी हुए।
वे पुनः चंद्रमा के पास आकर उन्हें उत्तम नीति के द्वारा समझाने लगे थे। दक्ष ने चंद्रमा से न्यायोचित बर्ताव करने की प्रार्थना की। बार बार आग्रह करने पर भी चंद्रमा ने अवहेलना पूर्वक जब दक्ष की बात नहीं मानी तब उन्होंने शाप दे दिया। दक्ष ने कहा कि मेरे आग्रह करने पर भी तुमने मेरी अवज्ञा की है, इसलिए तुम्हें क्षय रोग हो जाए। दक्ष द्वारा शाप देने के साथ ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए। उनके छीण होते ही सर्वत्र हाहाकार मच गया। सभी देवगण तथा ऋषिगण भी इस बात को लेकर चिंतित हो गए। परेशान चंद्रमा ने अपनी अस्वस्थता तथा उनके कारणों की सूचना इंद्रादि देवताओं तथा ऋषियों को भी पहुंचा दी थी। उसके बाद उनकी सहायता के लिए इंद्रादि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि जो घटना हो गई है उसे तो भुगतना ही है, क्योंकि दक्ष के निश्चय को पलटा नहीं जा सकता है। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उन देवताओं को एक उत्तम उपाय बताया। ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्रमा देवताओं के साथ कल्याणकारक शुभ प्रभास क्षेत्र में चले जाएं। वहां पर विधिपूर्वक शुभ महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हुए श्रद्धापूर्वक भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके प्रतिदिन कठिन तपस्या करें। इनकी आराधना और तपस्या से जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे तो वो इन्हें क्षय रोग से मुक्त करा देंगे। पितामह ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकार कर देवताओं और ऋषियों के संरक्षण में चंद्रमा देव मंडल सहित प्रवास क्षेत्र में पहुंच गए। वहां चंद्रदेव ने महामृत्युंजय भगवान की अर्चना वंदना और अनुष्ठान प्रारंभ किया। एकाचरित मन से वहां उन्होंने इस पाठ का जाप किया और लंबे समय तक तपस्या की। आपको बता दें, वे मृत्युंजय मंत्र का जप तथा भगवान शिव की उपासना में तल्लीन हो गए और वहां बैठे बैठे तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने 6 महीने तक निरंतर तपस्या की और वृषभ ध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जप तथा ध्यान करते हुए चंद्रमा स्थिर चित से वहां निरंतर खड़े रहे। उनकी उत्कट तपस्या से भगवत वत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो उठे। भगवान इतने प्रसन्न हो उठे कि उनकी तपस्या का भंग कर बोले, चंद्रदेव आपको क्या चाहिए? मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? आप कोई भी ऐसा वर मुझसे मांगिए जिससे आपका कल्याण हो सके। तुम जिसके लिए यह कठोर तपस्या कर रहे थे, जो तप कर रहे थे, उन अपनी अभिलाषा को मेरे सामने पेश करो। मुझे अपनी सारी अभिलाषा, सारी चाहत को एक साथ बता दो। मैं आपकी सारी चाहत पूरी करूंगा। मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें उत्तम वर प्रदान करूंगा। चंद्रमा ने प्रार्थना करते हुए विनय पूर्वक कहा, देवेश्वर आप मेरे सब अपराधों को क्षमा करें और मेरे शरीर के इस क्षय रोग को दूर कर दें। भगवान शिव ने कहा, चंद्रदेव तुम्हारी कला प्रतिदिन एक पक्ष में छीड़ हुआ करेगी, जबकि दूसरे पक्ष में प्रतिदिन वह निरंतर बढ़ती रहेगी। इस प्रकार तुम स्वस्थ और लोक सम्मान के योग्य हो जाओगे। भगवान शिव की कृपा प्रसाद प्राप्त कर चंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भक्ति भाव पूर्वक शंकर की स्तुति की। ऐसी स्थिति में निराकार शिव उनकी दृढ़ भक्ति को देखकर साकार लिंग रूप में प्रकट हुए और संसार में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से आज तक प्रसिद्ध हुए हैं। कहा जाता है कि जो भी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेता है उनके समस्त रोग कट जाते हैं। एकमात्र झलक पाने से संसार के सारे कष्टों से इंसान को मुक्ति मिल जाती है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आकाश की रिपोर्ट।